नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट 2 BHK इंटीरियर की, निराला स्टेट में है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन डोर से। मेन डोर पे हम बात करें तो हमने एसएस डोर लगाया 304, जो कि इस तरह से है, और इसकी हमने चारों तरफ से पैनलिंग कर दी। इसमें ऊपर 3 आपकी स्पॉट लाइट लगा दी हैं। तो चलते हैं अंदर फ्लैट की तरफ। ये हमारा मेन डोर है, इसमें हमने क्या करवाया है, आपका आरटी प्रोफाइल से इस तरह का डिजाइन बनाया हुआ है। अंदर चलते हैं होल की तरफ। जैसे हम होल में एंट्री करते हैं, फॉल सीलिंग की बात करें, फॉल सीलिंग हमने कुछ इस तरह से की हुई है। इसमें हमने चारों तरफ ये आपका 18 इंची का पट्टा लगाया हुआ बनाया हुआ है, और इसमें लाइट डाल दिए हैं इधर, और इसमें 3 बॉक्सेस बना दिए हैं। इसमें अलग अलग कलर हमने यूज़ किए हैं। इसी तरह आपका आपका यहाँ पर ये सामने जो आप वॉल देख रहे हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम है। तो हमने ये वाली वॉल हाईलाइट कर दी है, इसमें पेंट से कुछ इस तरह से डिजाइन बनाया हुआ है, और यहाँ पर हमने ये सेल्फ कॉर्नर बना दिया है। तो बात करते हैं इस हॉल की। हॉल में हमने यहाँ पर जो हमारी ये बालकनी थी हॉल वाली, वो हमने एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ, और इस वाले अपने इस एरिया को हॉल में इंक्लूड कर लिया है। तो किचन की बात करते हैं गाइस। किचन में हमने जो किया हुआ है, 2 कलर यूज़ किए हुए हैं आपका, येलो और वाइट। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर एक ब्रेकफास्ट काउंटर बनाया हुआ है, और ऊपर ये एक हैंगिंग लाइट लगा दी है, और 2 स्पॉट लाइट लगा दी हैं। अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर कुछ किचन में जो किचन का जो लुक आता है, वो इस तरह से आता है पूरा। नीचे इसमें हमने 5 बास्केट लगाई हुई हैं, 2 ये सामने, एक ये बीच में BPO लगाया हुआ है, और 2 इधर, बाकी आपके नॉर्मल शटर्स हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये ओवन का स्पेस है, और इसमें हमने 4 ग्लास के पल्ले लगाए हुए हैं, जो कि इस तरह लाइनिंग वाले हैं। 2 किचन के दो आपके चिमनी के बराबर में जाते हैं, और आपके 2 पल्ले इधर आ जाते हैं। पूरा लुक जो आता है किचन का, इस तरह से आता है। बात करते हैं हॉल के टीवी पैनल की। टीवी पैनल हमने कुछ इस तरह के बनाया हुआ है। इसमें 2 कलर यूज़ किए हुए हैं आपका, एक डार्क और एक लाइट। इसमें हमने नीचे क्या कहा, 2 ड्रॉर दी हुई हैं यहाँ पर, और ये इधर जो सामने आप देख रहे हैं, गिलास के सेल्फ लगा दिए हैं, और ऊपर ये स्पॉट लाइट लगा दिए हैं यहाँ पर। जैसे ही करते हैं डोर्स की। डोर्स में जो हमने ये डोर रिनोवेट किए हुए हैं, इसमें हमने क्या किया हुआ है, आपका इधर चारों तरफ से ये पैनलिंग कर दी है, और इसमें सभी में आपका टी प्रोफाइल से डिज़ाइन बना दिया है। तो गाइस, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपका किड्स रूम दिखा देता हूँ। किड्स रूम में जो हमने क्या हुआ है, किड्स रूम कुछ इस तरह से है। तो सामने जो किड्स आपका किड्स की जो वार्डरोब है, वो इस तरह से, इसमें हमने डिजिटल माइका लगा दिए जो कार्टून्स की आती हैं। और यहाँ पे किड्स रूम में जो हमने स्टडी बनाया हुआ है, वो कुछ इस तरह से है। इसमें हमने 2 कलर यूज किए हैं, 3 कलर सॉरी यूज किए हुए हैं आपका। ये सामने यहाँ पर एक ड्रॉर दे दिए, एक नीचे नॉर्मल शटर दे दिया है, और ऊपर हमने ये 2 बॉक्स आपके ओपन बना दिए हैं, और इधर ये 2 शटर लगा दिए हैं छोटे। जो आप देख रहे हैं, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वार्डरोब की। वार्डरोब कुछ इस तरह से है। वार्डरोब में हमने जो किया है, 2 कलर यूज़ किए हुए हैं यहाँ पर, एक आपका डार्क ग्रे है, और एक आपका वाइट है। ऊपर जो आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर लॉफ्ट बना दिया है डार्क ग्रे से, और बीच में उससे नीचे हमने वाइट यूज़ किया है, और उससे नीचे डार्क ग्रे, और उससे नीचे वाइट। यहाँ पर हमने ये 2 ड्रॉर बना दिए हैं, और ये सामने मिरर लगा दिया है, और ये राउंड सेल्फ बना दिए हैं। टीवी पैनल की बात करते हैं। टीवी पैनल कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हमने 4 ड्रॉर बनाई हुई हैं, और ये आपके ग्लास के सेल्फ लगा दिए हैं इधर। मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। यहाँ पर ये ग्लास के सेल्फ लगा दिए हैं, और आप ऊपर आपका एक ग्लास का पल्ला बना दिया है, और ये जो आप 2 स्पेस जो देख रहे हैं, आपके आर्टिफैक्ट वगैरह रखने के लिए हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।